रहे थे सॉल्व। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो स्क्रीन पर दिख रही है। एक बार पढ़ लें। द फॉलोइंग डिटेल्स अप्लाई टू एन एनुअल बजट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्वार्टर 1, 2, 3, 4 चारों क्वार्टर की डिटेल दे रखी है। वर्किंग डेज दे रखे हैं। प्रोडक्शन यूनिट पर वर्किंग डे दे रखा है। रॉ मटेरियल परचेज परसेंटेज वाई वेट ओके। बजट परचेज प्राइस दे रखे। क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट प्रोडक्शन इज 2 kg। बजटेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 2000 kg। बजटेड ओपनिंग स्टॉक इज 4000 ओके। इशू आर प्राइज्ड ऑन फीफो बेसिस। कैलकुलेट द फॉलोइंग बजटेड फिगर। एक तो क्वार्टरली एंड एनुअली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाई वेट एंड बाई वैल्यू। क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक्स बाई वेट एंड बाई वैल्यू। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस सम को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई हमारी मटेरियल रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके बाद फिर हमारा कितना वैल्यू का परचेज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बनाएंगे मटेरियल परचेज बजट। देखिए फ्रेंड्स, हमारे चार क्वार्टर हैं। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। और फिर ये टोटल। तो पहले हम ये देख लें कि हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा है। प्रोडक्शन क्वार्टर वन में हमारे पास 65 आवर्स हैं और 100 यूनिट्स पर डे प्रोडक्शन है। तो 65 इंटू 100 करेंगे तो ये 6500 हो गया। सेम कॉन्सेप्ट से हम बाकी कैलकुलेशंस करेंगे तो ये 6600, ये 6300, 6600 ही आएगा ये भी, ये 6300 टोटल करें, सबका टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 26000। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने क्या बोला था, मटेरियल जो रिक्वायर्ड है वो कितना चाहिए, 2 kg। तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड कितना होगा, 6500 इंटू 2 kg 13000, 13,200, 12,600 टोटल हुआ 52,000। इन्होंने क्या बताया था, जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं हम, वो 3 क्वार्टर में परचेज कर रहे हैं। पहले क्वार्टर में 30, दूसरे क्वार्टर में 50 एंड तीसरे क्वार्टर में 20। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। इसमें ऐड करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक कंसोलिडेट बेसिस पर और लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक तो ये हमारा रॉ मटेरियल जो हमें परचेज करना है वो वैल्यू निकल आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस रॉ मटेरियल परचेज की क्वार्टर वाइज हम फिगर देखें।
रॉ मटेरियल टू बी परचेस्ड, इन्होंने क्या बताया था, जो एनुअल रिक्वायरमेंट है, देखिए यहां पर इस चीज को पढ़िए जरा, एनुअल रिक्वायरमेंट का 30% हम फर्स्ट क्वार्टर में परचेज करेंगे, तो 50,000 का 30%, इट मींस 15,000 के लिए, दूसरे क्वार्टर में हम 20% परचेज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए प्राइस दे रखी है उन्होंने, परचेज प्राइस कितनी है, 1.125, तो ये हमारी परचेज वैल्यू निकल आएगी कितनी, 15,000, 26,250, 11,250, और टोटल में देखेंगे तो टोटल में ये 50,000 ही रहेगा, और इसकी वैल्यू आएगी 52,500। तो पहला आंसर तो यही था कि क्वार्टरली एंड एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय वेट एंड बाय वैल्यू, तो ये आपका आंसर वन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया बाय वेट और ये हो गया बाय वैल्यू। दूसरा क्या पूछा था, क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक, तो अब हम आप बताएं बजट सोइंग क्वार्टरली क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा क्वार्टर वन है, ये क्वार्टर टू है, क्वार्टर थ्री है, क्वार्टर फोर है, ठीक है फ्रेंड्स। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है 4,000 केजी, और इसकी जो वैल्यू है वो 4,000, ठीक है फ्रेंड्स। परचेज कितना किया, 15,000 केजी, और वैल्यू कितनी है, 15,000। चलिए अब मटेरियल हमको चाहिए कितना था, इश्यूड किया हमने 13,000 केजी, ये कैसे निकला, ये देखो यहां पर जितना रिक्वायर्ड है उतना ही तो इशू करेंगे, तो वैल्यू फीफो मेथड पे निकालेंगे तो 13,000 ही रहेगी, तो जो बैलेंस बचा ये क्या बचा, क्लोजिंग स्टॉक 6,000 केजी का, और वैल्यू रहेगी 6,000 रुपये, ये 6,000 केजी हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब परचेज हमने किया है 25,000 और वैल्यू है 26,250, इशू कितना करना है हमें, इशू करना है हमें 13,200, तो जो 13,200 की वैल्यू होगी उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इशू की वैल्यू नहीं बोली है, अदरवाइज इसका दो तरीके थे, इसमें से 6,000 तो हो जाता एक रुपये से, और 7,200 होगा जिस रेट से हमने खरीदा था, यानी कि 1.05 रुपये से, तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो बचेगा 17,800, और वैल्यू होगी इसकी 18,690।
17,800 को 1.05 रुपये से रहेगा। अब ये 17,800 हो गया, 18,690, परचेज किया हमने 10,000, वैल्यू है 11,250, इशू किया है मैंने 13,200, ये ओपनिंग स्टॉक में से इशू हो जाएगा, ठीक है, 13,200 1.05 रुपये से। तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचा वो बचा मेरे पास 14,600। अब इस 14,600 में आप लोग, ये वो कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, बड़े इजीली समझते हैं जो लोग स्टोर लेजर कर चुके हैं, इस आपको पता है इस 14,600 में 10,000 वाला तो अभी स्टॉक एज इट इज पड़ा है, तो 10,000 हमारा किस रेट से है, 1 रुपये, और 4,600 जो है वो हमारा 1.05 रुपये से है, इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 16,080। अब फोर्थ क्वार्टर में हमारी 14,600 है, वैल्यू हो गई 16,080, परचेज हमने कुछ किया नहीं, इशू कर दिया 12,600, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा मेरे पास 2,000, और जो 2,000 बचेगा वो किस रेट से बचेगा, बिल्कुल सही, जो लेटेस्ट वाला मटेरियल होगा ना वो बचेगा, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू होगी 2,250। तो ये देखिए, ये क्वांटिटी वाइज कैलकुलेशन आ गई और ये अमाउंट वाइज गई, थोड़ा मेरा पेपर छोटा था तो थोड़ा कंजेस्टेड कैलकुलेशंस लग रही होंगी, अदरवाइज आप समझ तो गए ही होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक सो ऑल द वैल्यूज हैज बीन कैलकुलेटेड, थैंक यू वेरी मच। Mm-hmm.